ये सज्जी तिक्का, सज्जी तिक्का कहलाता है, ये सज्जी तिक्का। मतलब ये नया स्टाइल है सज्जी तिक्का। ये देख रहे हैं आप नाज़रीन, सज्जी तो आपने सुनी होगी लेकिन सज्जी तिक्का आपने पहली दफ़ा सुना होगा। ये कबाब हो गया जनाब, ठीक है। और ये चिकन शाशलिक बोटी, ये चिकन शाशलिक बोटी हो गई, बेहतरीन। और ये हो गई बीफ बोटी, ये बीफ बोटी हो गई। और ये हो गया तिक्का, ये हो गया तिक्का जनाब, ज़बरदस्त। ये आप देखें इसको, सज्जी तिक्के को पिरोया जा रहा है, वाह। ये अलग मसाला है हमारा, लारकाना का मसाला है। ये चिकन का पूरा पीस है, आप ये देखें, और काफ़ी अच्छी तरह से गली भी और गर्म भी हो रही है। असो लारकाने तिको तमाम भलो आ, मशहूर आ। असा चिकन बूटी भी जगह है तो तमाम मशहूर आ, तमाम सुठो आ। जबरदस्त, ना सब्जी है ना तिक्का है, दोनों को मिला लें, सब्जी तिक्का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताज सराज। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर, और गुलिस्तान जौहर जो है ये बहुत बड़ा एक फूड का हब बन चुका है। और ये पूरी सड़क जो है जौहर चौरंगी से लेके जौहर मोड़ तक, दाएं और बाएं आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे। इन सारे में एक ऐसा भी इलाका है कि जो कराची का नहीं है, बिल्कुल कराची का नहीं है बल्कि सिंध का है, और वो जगह है लाड़काना। लाड़काना सज्जी हाउस में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे एक ख़ास किस्म का तिक्का मिलता है। तिक्के के बारे में आप लोगों को बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कैसे तैयार होता है और क्या क्या मसाले इसमें डलते हैं। तिक्का जो है उसका एक नाम भी इन्होंने रखा है जी, लाड़काना सज्जी तिक्का। लाड़काना सज्जी तिक्का मतलब सज्जी और तिक्के को मिला के इन्होंने एक रेसिपी बनाई है, जो कि एक बहुत ही यूनिक बनती है और थोड़ा चटपटा होता है। सब्जी जो होती है वैसे फीकी होती है, सब्जी फीकी होती है बिल्कुल बगैर मसाले की होती है, लेकिन इन्होंने इस पर ठीक ठाक मसाला लगा के इसको तैयार करते हैं और फिर डायरेक्ट जो है वो कोयले पर इसको सेकते हैं। सही है, बिल्कुल सब्जी की तरह। तो आइए देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा, ये सज्जी तिक्का जो है इसका आप एड्रेस समझ लीजिएगा, इसका एड्रेस कुछ इस तरह से, ये सामने से रास्ता आ रहा है जौहर मोड़ से, और थोड़ा सा आप पुल क्रॉस करके आगे आएंगे तो ये सीधे हाथ पे पड़ेगा लाड़काना सज्जी हाउस, ये सामने। और आप ये देखें, ये लगा हुआ है जनाब सज्जी का तड़का, ओहो बेहतरीन किस्म की सज्जी चल रही है जनाब। आपको बिल्कुल वाजे नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो है वो मसाला भी है, और बिल्कुल सज्जी की तरह नहीं है, बिल्कुल तिक्के स्टाइल में पूरा इन्होंने सजा दिया है। और यहाँ पर ये ग्रिल हो रहा है, ये फाइनल शेप जब दे रहे होते हैं इसको तो यहाँ पर आ जाता है सज्जी टिक्का। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर ग्रिल की जा रही हैं। और ये जैसा कि मैं यहाँ पर आप देखें, ये सज्जी तिक्का जो है इसका मसाला लगाया गया है, और ये देखें आप, ये इस तरह से मसाला लगाते हैं, थोड़ा सेका है और सेकने के बाद फिर दोबारा मसाला लगाया, और ये इसको दोबारा ले गए ग्रिल पे। ये सीन है जनाब।
अच्छा दोस्तों, हमारा ऑर्डर आ चुका है और हमने ऑर्डर जो दिया था वो हमने हाफ चिकन सब्जी टिक्का मंगवाया है और हाफ प्लेट जो है हमने वैसे बीफ मंगवाया था, मगर बीफ इनके पास ख़त्म हो गया है तो हमने चिकन का ही मंगवा लिया। अब मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। वो साथ में इन्होंने लीमू दिया है और ऊपर भी जो है मसाला इन्होंने ऐड किया अलग से। ये चिकन का पूरा पीस है, आप ये देखें, और काफ़ी अच्छी तरह से गली हुई और गर्म भी हो रही है। यह आप सूरत हाल देख सकते हैं, मसाला जो है इसका अंदर तक गया हुआ है और देखने से ही आपको जो है वो मसाला जो है बहुत स्पाइसी लग रहा है। ये चिकन शाशलिक जो है वो हाजिर है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से इन्होंने आप देखें मसाला अलग से भी डाला हुआ है, आपको एक वाजे नज़र आ रहा होगा, साथ में लीमू दिया हुआ है। आपने जो है वो ये लीमू नहीं छोड़ना है, और लीमू के जो रेट है ना आजकल आपको अंदाज़ा है, बहुत महंगे चल रहे हैं लीमू भी। लीमू मैंने छोड़ लिया। अच्छा, मैं ज़रा रोटी से ट्राई करूँगा। अच्छा, ये टिक्का जो खाने का मज़ा है ना, थोड़ा सा जहन में रखिएगा, चपाती के साथ खाने में मज़ा आएगा आपको। जो लोग पराठा इस्तेमाल करते हैं, पराठा जो है वो उसका ज़्यादा मज़ा नहीं है। ये थोड़ा सॉस भी हम निकालें, रायता है, रायता थोड़ा सा लेते हैं ताकि खाने में दुश्वारी पेश ना आए। ये टिक्के का पीस है, थोड़ा सा हमने लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिला जुला टेस्ट है, थोड़ा सा माइल्ड सा भी है, मगर जो ऊपर वाली चिकन है बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। ना सब्जी है ना टिक्का है, दोनों को मिला लें, सब्जी टिक्का। ज़बरदस्त मसाला है, चटपटा है खाने में, और आप ऊपर से अगर लीमू निचोड़ लें और ये रायता साथ में ला लें तो जायका जो है वो हल्का सा, हल्की सी खटास से फील हो रही है और काफ़ी टेंडर है। ये आप देखें, अच्छा खासा इसको गलाया हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छा। ये जो आपको ले नज़र आ रही है, ये बिल्कुल सामने फेसिंग होगी इसकी, कोयले की ये फेसिंग बताओ, ये अंदर का हिस्सा है, लेकिन ये बहुत ठीक ठाक गला हुआ है। चिकन भी जो है वो बहुत ज़्यादा टेंडर भी हो चुकी है, थोड़ा सा जूसी भी है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप हुआ है इससे। अच्छा, जो अमूमन जो नॉर्मल सब्जी होती है उसमें तो आप लोगों का आइडिया है कि सिर्फ जो है नमक इस्तेमाल किया जाता है, और जो उसमें चिकन इस्तेमाल की जाती है वो स्किन वाली होती है। इसमें जो है चिकन दूसरी इस्तेमाल की गई है, विदाउट स्किन वाली। अच्छा, ये चिकन शाशलिक जो हमने मंगाया था, दोनों तकरीबन सेम ही लग रहे हैं, हमें कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा, बस ऊपर से इन्होंने ये डाला हुआ है। ये शिमला मिर्च है, प्याज है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी प्याज रखते हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च रखते हैं, ठीक है जी। और ये चिकन हम लेते हैं थोड़ी सी, और ऊपर से थोड़ा सा डालते हैं लीमू। ओहो, लीमू डाल के तो मज़े आ जाएगा। थोड़ा सा मसाला मैं ले लेता हूँ। ये हमारा निवाला तैयार हो गया। मज़ा आ गया भाई, आउटस्टैंडिंग। ये दो तीनों चारों चीज़ें मैंने जो मिलाई हैं ना, उसके बाद जो जायका आ रहा है वो बेहतरीन, मतलब आम चिकन नहीं है ये, कराची वालों के लिए बेहतरीन है। स्पाइसी है और टेंडर है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, हमने लाड़काना का सज्जी टिक्का तो खा लिया है। बिल्कुल, बताओ भाई कैसा लगा आपको? फिर भाई बेहतरीन है, ज़बरदस्त। लाड़काना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कराची में ही लाड़काना का आइटम मिल गया है, और काफ़ी मज़ा आया। यानी कि स्पाइसी भी था और चटपटा कह लें, स्पाइसी कह लें, मगर मज़ेदार भी था।
अच्छा ऊपर से 110 का जो लिमका हमने दिया है ना उसने और भी मजा कर दिया, दोबारा कर दिया मजा उसने जाना। तो 110 है भाई, ये वॉन्ग टोंग नहीं है, वॉन्ग टोंग नहीं है। चटपटे के साथ तो जरूरी है नहीं है, आप इतना चटपटा आइटम खाएं तो राजू भाई लाजमी ऐसा कोई आइटम आप लें जो रिफ्रेश कर दे आपको। बिल्कुल, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स करना ना भूलें, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर किसी नए व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।